बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा मेज़बान थोड़ा भाई मुहम्मद आसफ जनाब, और आज जनाब थानू चेक करावन लगे हैं फीएट 640 दी परफॉर्मेंस जी लैदर दे। और भाई उरा लैदर भी नवा ही लिया, और इन्हां लैदर किन्ने दा लिया, और इन्हां नूं चलावन की प्रैक्टिस है या नहीं हैगी, इंदे ते गलबात करांगे। और थानू 640 ये जनाब 1990 मॉडल है जी, 1990 मॉडल है, और इंदी परफॉर्मेंस भी चेक कराने हैं, और आपा भाई ना गलबात भी करांगे इन्हें लैजर किन्ने दा खरीदा है और किवें नकद खरीदा है या किस्तां ते खरीदा है, और ये 640 इंदे ते खर्चा कितना कर रही है। बाकी जनाब 640 की परफॉर्मेंस दोस्तों तुसी देख रहे हो, ये 75 हॉर्स पावर है जी, और आवाज़ भी तुसी दोस्त सुन रहे हो, आवाज़ भी ना होने के बराबर है। जनाब दोस्त हूँ एक फेरा लैके आता है, तो आप दोस्त रोक ले पुछते हैं कि लैदर तो इन्हें इस स्वेटर में कैसा पाया, इनका खर्चा वगैरह, और डिस्कस करने हैं दोस्त। ए जनाब कोल 185 खड़ा है जी, पिछे जमीन वाहन लई, तो लगता है दोस्तों कि ये जिहड़ा दोस्त है ना जी, इन्हें लैजर नवा लिया, तो हाले तक मुकम्मल ट्रेंड नहीं हैगे, ये तो पता चलता है जी हुण कोल चल के की कहंदे ने दोस्त। बंद कर देगा जी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? ठीक सर। अपना पहले तो तारफ करा दो, यानी कि अपना नाम की है जी? मोहम्मद अरशद। ए भाई अरशद कदों लिया जी लैदर? ये लैदर नु हो गए 15 दिन। 15 दिन ते ए किन्ने दा मिला? 575 दा। केड़ी कंपनी दा? ए इजी फार्मिंग है, मस मैसर आना। अच्छा ठीक हो गया। और ये किस्तां ते लिया जी या नगद लिया? नेट कैश। नेट कैश ते कोई दिक्कत आई इंदे लैन लग्या या इंदे विच की वेखना वुखना पैंदा कुछ? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इंदे विच कोई चीज वेखनी पैंदी भी आ चीज इंदी लैनी है या इंदी लैनी है? हां जी मशीनां दा है फर्क, बाकी कोई चीज दा नहीं फर्क। अच्छा तुसी ये पहली दफा लिया या अगे भी खरीद रहे हो? पहली दफा। ते किसी दोस्त नु नाल ले गया सी या खुद ही जाके खरीदा? खुद ही खरीदा। ठीक हो गया। और ये 640 के पिछे तुम जिमें असं वेख रहे हैं कि पाया हुआ अपने इलाके में 640 के पिछे कम ही हैं, ज़्यादा 75-85 हैं, तो तुम इन 640 के पिछे कैसा पाया? ठीक चल रहे। तो ये किलो तो खर्चा कि कर जाता है, यानी घंटे का कि खर्चा कर जाता? 4 से 5 लीटर बस। 4 से 5 लीटर घंटे का या किले नु दो दफा चलावन का? किले नु दो दफा चलावन का। अच्छा यानी किले नु दो दफा अगर फेरते हो तो जनाब मेरे 4 लीटर खाता है। ठीक हो गया। और इस अलावा इनकी कोई होर मेंटेनेंस यानी कि ख्याल की रखना पैंदा लैजर का? बस लैजर नु बारिश तो बचाना चाहिए जी, ज्यादा एहतियात नहीं बारिश दी है जी, बाकी कोई मशीना दी एहतियात हैगी है जी, तो बारिश दी। ठीक हो गया। और चीजा का ख्याल रखना चाहिए। और परफॉर्मेंस इनकी 640 ते बेहतर है या मैसी ते मैसी ट्रैक्टरों ते बेहतर है लैजर दी? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਮਲੂਮ ਦੀ ਪੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ 85 ਮਗਰ ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ 90 ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ 90 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਟੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
तो चलो ठीक हो गया, मेहरबानी जनाब, तुसी सानू दोस्तां ने दस्या, चलाओ जी। दोस्तों इस वीडियो नाल ही जनाब तुसी अपने भाई आसिफ लिंदे हो इजाज़त जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो नाल फिर मिलांगे। अल्लाह निगेबान जी, रब राखा, जीने वस्ते रहो। तो दोस्तों अच्छा जहा कमेंट्स जरूर करना जी मेरी वीडियो ते, इसते तुहानू वीडियो कैसी लगी और ट्रैक्टर कैसा लगे जी लेजर ते। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।